नमस्कार, मैं शंभु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। यूपी में चुनाव का माहौल है और लगातार दिल्ली के टेलीविजन अखबार में बैठ के, स्टूडियो में बैठ के लोग ज्ञान दे रहे हैं, फलाना जीतेगा, ढमकाना जीतेगा, ये जीतेगा, वो जीतेगा, ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है, वो मास्टर स्ट्रोक है, कांग्रेस ने ये वोट काट लिया, वो वोट काट लिया, मुसलमान कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर हम पहले फेज में दौड़े, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके में पहले फेज में चुनाव है। मैं आज गौतम बुद्ध नगर में, माफ कीजिएगा, गाजियाबाद में हूँ, जहाँ से पीके सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं वो हैं, और बंसल जो हैं, यहाँ वो बंसल साहब जो हैं वो सपा के कैंडिडेट हैं। मेरी रुचि सिर्फ ये जानने में है कि जिस तरह से दलित नाराज है, मुसलमान नाराज है, क्या उनकी एकजुटता बन रही है और क्या बीजेपी को हराने के लिए सबसे ज़्यादा मुसलमानों को रिस्क उठाना पड़ रहा है, एक भी मुसलमानों को टिकट बीजेपी नहीं देती है, ठीक उसी तरह से क्या एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो नेता हैं, चाहे लालू यादव हों, अखिलेश यादव हों, जैसे बीजेपी कहती है कि हम मुसलमान को टिकट नहीं देंगे और चुनाव जीत जाती है, क्या इस देश में कोई बहुजन नेता है जो कहे कि हम सवर्णों को टिकट नहीं देंगे क्योंकि वो लेस देन 10% है और वो चुनाव जीत सकती है। मुस्लिम समाज की तारीफ करनी होगी कि देश भर में उनका प्रतिनिधित्व न हो, उसके बाद भी उन्होंने बीजेपी को हराने का पूरा जिम्मा अपने कंधे पर उठा रखा है। दिल्ली में वो किसी और पार्टी को वोट करते हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को वोट करते हैं, बिहार में राजद को वोट करते हैं, तो मुस्लिम समाज जो है वो टेक्टिकली पूरा इस तरह से उस पर जुल्म सितम होता है, उनके बच्चों को उठा के ले जाते हैं। इस बार दलितों को भी कायदे से पिटाई हुई है, पिछड़ों की पिटाई हुई है, तो मुस्लिम समाज को लेकर लगातार अफवाह फैलाया जा रहा है। एक अफवाह ये भी है कि मायावती और अखिलेश बाद में बीजेपी में मिल जाएंगे, एक दूसरी अफवाह ये फैलाई जा रही है, लगातार बात हो रही है, जो बड़े पत्रकार लोग हैं जो हवा बनाते रहते हैं कि मुसलमान जो है वो इस बार बटा हुआ है और कांग्रेस की तरफ जाएगा। सोनिया गांधी के बाद प्रियंका गांधी घरों से निकली हैं और प्रियंका गांधी अयोध्या जा रही हैं, मंदिर जा रही हैं, मुसलमान उसको लेकर कैसे सोच रहा है, क्या मोदी जी मंदिर जाते हैं तो वो अपराधी हो जाते हैं, प्रियंका गांधी मंदिर जाती है उसको लेकर मुस्लिम समाज क्या सोच रहा है, खासकर युवा क्या सोच रहा है, ये बात करेंगे। सीधे ग्राउंड रिपोर्ट, पब्लिक ओपिनियन देखिए, लोगों से बात करेंगे। ये मासूम मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बात और कान खोल कर सुन लीजिए, कान में तेल डाल लीजिए, मैं ये बात एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के समाज को कह रहा हूँ कि आपके बच्चों के लिए स्कूल के दरवाजे बंद हैं, आपके लिए अस्पताल बंद है, आपके लिए बस नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, और गंदगी का अंबार लगा होता है, अभी दिखाऊंगा तो वोमिटिंग हो जाएगी कि किस तरह से लोग रहते हैं। एक मिनट में दिखा के आता हूँ, ठीक है, ये समझिए, ये जो इलाका है, नहीं ये सब मत कीजिए, ये भट्टा परसौल का इलाका है और यहाँ आपको गंदगी दिखाएंगे ना तो आपको रोना आ जाएगा। मुसलमान के लिहाज से बात करें तो सबसे हाईफा इलाका है, अच्छा इलाका है। ये देखिए बीके सिंह यहाँ से मंत्री हैं, और जाइए, बीके सिंह यहाँ से मंत्री हैं और ये हालत है, ये देखिए ये हालत है गंदगी का, और यहाँ से मंत्री हैं। और सुनिए एक और बात, कचरा और दलित ये दोनों कभी अलग नहीं होता है, और देखिए इस पर आप नाक नहीं दे सकते, तबीयत खराब हो जाएगी। क्या नाम है भैया? अब्दुल कयूम। अब्दुल कयूम, अब्दुल कयूम। तो ये जो कचरा वाला जो काम है ना, वो दलित मुसलमानों के जिम्मे, कितना पैसा मिलता है महीने का? पता ना, मेरा माल रखेंगे बाद में छाड़ेंगे। तो शर्म आनी चाहिए हम लोगों को, और ये जो सफाई का काम है वो दलित मुसलमानों के जिम्मे है। आप दो मिनट नहीं ठहर सकते हैं, तबीयत खराब हो जाएगी। और इस हालत में आप तमाम मुस्लिम मोहल्लों में जाइए, दलितों के मोहल्ले में जाइए, नगर पालिका हो, सरकार हो, उनकी सूद नहीं लेती है। बीके सिंह यहाँ से, ये तो मैंने नमूना दिखाया, बानगी भर दिखाया है। वोट की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे। इस देश में जानबूझकर सवर्णों ने स्कूल बंद कर दिए, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, इन सबको बर्बाद कर दिया गया ताकि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के बच्चे ना पढ़ सके। मायावती की मैं तारीफ करता हूँ, उन्होंने इंटर सावित्रीबाई फुले इंटर कॉलेज खोले, उन्होंने अस्पताल बनवाए, माननीय कांशीराम मल्टी अस्पताल की अस्पताल लॉर्ड बुद्धा खोला, तो ये तमाम काम उन्होंने किया। तो मुस्लिम मोहल्ला है, कितनी आबादी होगी सर यहाँ मुसलमान मुस्लिमों की? यहाँ समथिंग कम से कम यहाँ पर हमारे यहाँ 35,000 आदमी है, हमारे 45,000 की आबादी है गाजियाबाद। तो नहीं, वो जो यहाँ पर है कई गाजियाबाद कंस्टिट्यूंसी में कितने मुसलमान? तो कैले भट्टे के हमारे यहाँ कैले भट्टे के 2,00,000 की मुस्लिम की, ये कैले भट्टा है, ये यहाँ पर 2,00,000 की। हाँ, 2,00,000 की आबादी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नौशाद अली। स्कूल जाते हो बाबू? हाँ बोलो बेटा। नहीं आराम से बताना, जाते हो तो ठीक है, हम भी नहीं गए थे स्कूल। स्कूल जाते हो कि नहीं?
जाते थे या स्कूल दिन पहले बंद कर दो जाना। क्या करते हैं अभी? यहाँ पे दुकान पे आ रहे हैं। अब्बा क्या करते हैं? अब्बा कपड़े का गोदाम मजदूर। आप क्या कर, ठीक है आप बोलने दीजिए बच्चों, आप क्या करते हैं बाबू? स्कूल जाते हो? किस क्लास में हो? थोड़ा साइड हो जाइए। किस किस क्लास में हैं आप? आप जाते हैं स्कूल? झूठ मत बोलना, क्या करते हो? रुकिए ना भैया, आप जाते हो स्कूल बाबू? तो मैक्सिमम इस देश में जो दलित है, मुसलमान है, ये छोटे छोटे प्यारे बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? आरिफ। स्कूल जाते हो आरिफ? मैं चाहता हूँ एक ऐसा देश बने जहाँ हर बच्चे के हाथ में ऐसा साइकिल हो, वो स्कूल जाए। गनीमत है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चों को मजदूरी करनी पड़ती है। और ये देखिए, क्या नाम है आपका? शुभान। अच्छा शुभान, क्या करते हो, किस क्लास में पढ़ते हो? किस क्लास में हो? तो जरूरत है इस देश में, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के लिए स्कूल खुले, आपके बच्चों के लिए अस्पताल हो, आपको बेहतर रोजी रोटी मिले, तो बहुत समझदारी से वोट करना होगा। ऐसी सरकार चुननी पड़ेगी जो हवाबाजी न करती हो। सरकार तो हमने चुन ली है, गठबंधन समाजवादी पार्टी और बसपा और लोकदल। क्या है अपने चुन लिया हमने सरकार, गठबंधन चुन लिया है और गठबंधन को ही वोट देंगे। क्यों क्यों गठबंधन को क्यों वोट? क्योंकि बसपा ने हमारे लिए आज तक कुछ करा नहीं है। अच्छा, लोग तो कह रहे हैं कि लिए तो कुछ करा ही नहीं है आज तक। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। कांग्रेस ने क्या करा हमारे लिए? क्या नाम है भैया आपका? कह रहे हैं आगे सही कह रहे भाई, कहीं नेताजी के दबाव में तो नहीं? ना सही कह रहे भाई साहब, सही कह रहे हैं। नेताजी का फंक्शन हूँ उसमें जा रहे दावत में। क्या लग रहा है आप लोग के लिए? क्या भाई साहब, पूरी यूपी के अंदर जो इस टाइम जोर है वो गठबंधन का है, तो हम कांग्रेस को वोट देते हैं। ये गौ हत्या वाला मामले से बहुत नुकसान हुआ, रोजी रोटी पर असर पड़ा है ना? नहीं देखो, उसमें तो हम लोगों की भी गलती है, जब सरकार ने मना कर दिया गौ हत्या के लिए तो हमें वो काम क्यों करना चाहिए? तब सरकार तय करेगी कि हम क्या खाएं ना खाएं। नहीं नहीं, ये बात नहीं है, मेरी बात सुनो, जिस चीज को हमारा राजा। अच्छा, प्रियंका गांधी रोज मंदिर जाती है, उससे आप लोगों को दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, जो जिसका मजहब है वो तो करेगा। अब मोदी जी ने ये तो कहा, मोदी भी तो मंदिर जाता है, तो मोदी से क्या दिक्कत? नहीं नहीं, उनसे भी कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी ने ये कहा था कि भाई मुसलमान तलाक देता है, 3 तलाक का मैटर जो इन्होंने मोदी जी ने चलाया था, कौन किस कौम में, किस बिरादर में, किस मजहब में औरत को तलाक नहीं लगता, हर मजहब में लगता है, तो एक मुसलमान को ही क्यों सा लगा? तो आप लोग कांग्रेस और बीजेपी में चुनना हो और तो किसको चुनेंगे? हम कांग्रेस। और कांग्रेस और ये महा गठबंधन हो तो बीजेपी का गठबंधन है। ऐसा है, जैसे भी हालात होंगे, जो पार्टी बीजेपी हराएगी हम उसके साथ हैं। तो कौन हराते हुए दिख रहा है, कौन लग रहा है? कांग्रेस पार्टी हमारी तरफ आएगी, कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी यहाँ, ये देखिए हैं। और सवाल, और सपा बसपा का गठबंधन वो अब देखो, अभी तो ये तो बंद पड़िया है, वोटर किधर जाता है? तो कैसे आप अंदाजा लगाएंगे कौन बीजेपी को हरा रही है? क्या भाई, कौन हरा रही है बीजेपी? कांग्रेस सपा बसपा, अभी जो माहौल चल रहा है कांग्रेस हरा रही है। पूरे गांव, पूरे देश में जो चोर कह रहा है राहुल गांधी कह रहा है, बताओ मायावती जी ने कब चोर गया, अखिलेश यादव जी ने कब चोर गया, शिवपाल यादव की पार्टी बनाने वाली बीजेपी, सपा बनाने वाली बीजेपी, बसपा बनाने वाली बीजेपी एक मुकाबला कर रहा है तो बस राहुल गांधी कर रहा है। अच्छा एक बताओ दोस्त, 60 साल से राहुल गांधी की सरकार थी, आराम से बोला, हरवाड़ा नहीं, लड़ाई उड़ाई नहीं करनी है। 60 साल से राहुल गांधी की सरकार थी, सब ठीक चल रहा था, ठीक चल रहा। राम मंदिर का ताला किसने खोला था? राम मंदिर का ताला बीजेपी ने खोला था, कांग्रेस ने, कांग्रेस ने खोला था ना जी। तो वो कांग्रेस ठीक हो गई? कांग्रेस, कांग्रेस में 60 साल से कांग्रेस थी तो बीजेपी कैसे आ गई भाई? बीजेपी, बीजेपी सारी। अजय बताओ, चोर कहने से मैं तुमको चोर कह दूं तो मैं ईमानदार हो गया। राफेल बोफोर्स घोटाला किसके राज में हुआ था? राफेल घोटाला बीजेपी के राज में हुआ है। अरे बोफोर्स पूछ रहा हूँ, तू जी कोयला घोटाला किसके राज में हुआ था? ये तो इतना मुझे पता नहीं, टीवी रात दिन देखते हो, टीवी देखते हो। अगर पूरे देश में चोर कह रहा है तो राहुल गांधी कह रहा है, मायावती जी बताओ। अच्छा एक चोर घोटालों से कोई मतलब? घोटाले तो अगर एक गली का मेंबर भी है वो भी घोटाले करता है, घोटालों से आवाम पर फर्क तो पड़ता है। मतलब क्या है? मतलब है सुरक्षा ना, सुरक्षा चाहिए। इन्होंने मोदी जी ने सब में गलत काम तो ये करा है, मुस्लिम सब अलग कर रहे हैं, यादव पंडित बनिए। कांग्रेस के राज में, कांग्रेस के राज में दंगे नहीं होते थे?
असंवैधानिक तत्व वो इस सरकार में 5 साल में देखे हमने। बॉबलिंग जी हुई, उनका प्रश्न हुई, कोई मोदी जी बोल ना रहे, बीजेपी का कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक, कोई भी एमपी उल्टा सीधा बयान दे रहा है दलितों के मुसलमानों के खिलाफ, वो मोदी जी बोली ना रहे, यानी कि सब मिला जुला है मामला। मोदी जी इधर से इशारा करते हैं और वो बोलते हैं अपना पूरी भड़ास। एक लड़का चला गया तो थोड़ा बहुत पार्टी बेस कैडर होगा, और मैं मुसलमानों का मोहल्ला दिखा रहा हूँ, और ये एक भट्टा परसौल है, मैक्सिमम जो मुस्लिम समाज के कैला भट्टा, माफी कैला भट्टा है, और मैक्सिमम जो लोग हैं वो युवा जो है वो बीजेपी के खिलाफ हैं, ज़्यादातर मुस्लिम बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन वोट जो है वो खा जा रहा है। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? मेरा नाम समीम अहमद। क्या करते हैं समीम भाई? मैं जॉब करता हूँ। कहाँ? मैं नोएडा में करता हूँ। क्या क्या लगता है इस बार क्या मुद्दे होने चाहिए राजनीति, मतलब वोट किस आधार पर डालेंगे? देखिए सर, मेनली जो मतलब आधार जो आप बता रहे हैं, ठीक है, विकास का ही मेन मुद्दा होना चाहिए, ठीक है, एजुकेशन का। मोदी जी तो पाकिस्तान पर वोट मांग रहे हैं। अब उनका क्या है ना कि जब भी इलेक्शन टाइम आता है, ठीक है, उनकी राजनीति इसी पर डोलना डोल हो जाती है, ठीक है, उससे ज़्यादा वो कुछ समझ नहीं पाते, बोल नहीं पाते। क्या क्या मूड क्या है इस बार, क्या मिजाज बनाया आप लोग? देखिए मिजाज तो यही है कि भाई विकास को देखते हुए तब वोट किया जाए, ठीक है, जो भी बेहतर काम करेगा उसी को वोट किया जाएगा हमारे एंड पे, तो ठीक है, बाकी अभी देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है। कांग्रेस ठीक लग रही है? देखिए हर एक पार्टी तो हर एक ठीक है, लेकिन भैया कि अगर कोई आए अच्छा काम करे तो वही बढ़िया है। मुसलमानों के लिए मुद्दा है कि वो बीजेपी को कौन हरा रहा है उसी को वोट करें, ऐसा नहीं है। मुद्दा केवल मुसलमान या हिंदू का नहीं होना चाहिए, मुद्दा केवल जो होना चाहिए वो हमारे विकास का होना चाहिए। चलिए, पढ़ा लिखा सकते, टीवी देखते हैं कि नहीं? मैं देख लेता हूँ, रियली देखता हूँ। तो टीवी देखते हैं तो टीवी पर तो कह रहा है कि मोदी जी दोबारा आ रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है अगर मोदी जी आ रहे हैं, ठीक है, हमें सबसे मेन यही है कि भाईचारा बना रहे, लड़ाई झगड़े ना हो, दंगे फसाद ना हो, ठीक है, और क्या ना, पढ़ाई अच्छी हो, लगता है बीजेपी रहेगी तो ये सब ठीक हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो अभी तो थोड़ा कमी हो रहे हैं। चलिए, दो और भी कैमरे खुल गए हैं और लगातार लोग बात कर रहे हैं, और मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करना चाहता हूँ। युवा जो है वो कैसे सोच रहे हैं वो देखिए, और कुछ और लोगों से बात करेंगे जो ठेला दुकानदार पर है। आप लोग बात करेंगे, बात करना चाहेंगे आप लोग? क्या नाम है आपका? अरे चुनाव के बारे में बात करेंगे। सलमान, क्या करते हैं सलमान भाई? लड़कों को मारते हैं, फिटनेस कराते हैं। अच्छा, ट्रेनर है यहाँ, फिटनेस ट्रेनर। अच्छा, जिम चलाते हैं, कितने सालों से? 2 साल से। दिखाइए थोड़ा डोला शुला दिखाइए। क्या नाम है आपके जिम का? टोटल फिटनेस। टोटल फिटनेस कहाँ है? बराबर में। कितने मतलब लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं अब? क्या लग रहा है मतलब वोट वोट को लेकर क्या प्लान कर रहे हैं आप? वोट के बारे में कांग्रेस को डालो या समाजवादी बढ़ा लो? अच्छा, जो बीजेपी को हरा है उसको डालो। क्या लग रहा है कौन बीजेपी को हरा रहा है यूपी में? समाजवादी है सर। समाजवादी। आपका क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। क्या करते हो आरिफ भाई? प्लम्बरिंग का काम करते हैं। वोट डालोगे? जी। किसको डालोगे? समाजवादी पार्टी को। काहे? समाजवादी पार्टी। काहे? समाजवादी पार्टी। अरे क्यों 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 डाले? ये है मुस्लिम समाज पूरे देश में सबसे कम उनका प्रतिनिधित्व है, उसके बाद भी उनके कंधे पर जिम्मेदारी है, बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी उन्होंने ले रखी है, और ईमानदारी से टैक्टिकल वोटिंग कर रहे हैं। आपका क्या नाम है भैया? हाँ, क्या करते हैं आप? जी मैं, हमारी भी यही टोटल फिटनेस। अच्छा, आपका भी फिटनेस का ही है। चलिए, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमारे हिस्से में तो मजदूरी ही है ज़्यादातर। आप क्या करते हैं दोस्त? हम पढ़ाई कर रहे हैं भैया। किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं? बीटेक। हैं? बीटेक। बीटेक करे कहाँ से? एचजी कॉलेज से। तो कभी मतलब यही रहते हैं प्रॉपर? हाँ, यही रहते हैं, बोरी गली में। तो क्या लोगों को कुछ आपका इंटरेस्ट है कि नहीं पॉलिटिक्स में? पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट तो नहीं है जी। वोट तो करते होंगे? हाँ, वोट करेंगे बिल्कुल। क्या रहेगा अब आप लोग, रोजगार मुद्दा है कि नहीं? हाँ जी, देखो कांग्रेस आनी चाहिए, समाजवादी आनी चाहिए, मतलब बीजेपी नहीं आनी चाहिए। बीजेपी नहीं आनी चाहिए, बीजेपी भटकने में ना चाहिए और दूर। बीजेपी भटकने में ना चाहिए और। अच्छा, एक बात ईमानदारी से बताना, मतलब हम आपके इलाके में हैं, कैमरे पर बात करने में थोड़ा डर तो लगता है पहले की अपेक्षा, अभी लगता है मुझे तो लगता है, मुझे लगता है मैं कुछ बोल रहा हूँ, बीजेपी वालों से सब डरता है भाई, वो मॉब लिंचिंग, उनके गौरक्षक दल घूमते रहते हैं।
नेताजी खड़े हैं बराबर में, हम लोग नहीं डरते हैं। हम लोग सच्चाई के साथ है, सच्ची बात करेंगे, हम लोग नहीं डरते। लग रहा है कि ये एक र्यूमर फैलाया जा रहा है तेजी से कि मायावती अखिलेश बीजेपी में मिल जाएंगे या कांग्रेस वोट काट रही है, ये आपको लगता है कांग्रेस के लड़ने से तो बीजेपी को फायदा हो रहा है? बीजेपी को फायदा हुआ, लेकिन हम कोई भी जितने भी यहाँ मुस्लिम क्षेत्र हैं और मुस्लिम क्षेत्र वाला जितने भी दलित वगैरह जितने भी हैं, कोई अब बीजेपी को वोट नहीं देगा। एक वो उनकी हवाबाजी थी, सीधा जुमलेबाजी थी, उन्होंने हमारे को सबको बहकाया। औरतों के जो घर में पैसे होते थे साग सब्जी के, वो तक्के भी उन लोगों ने कलवा लिए। जो आदमी सुबह को अपने घर में 200 रुपये दे जाता सब्जी के लिए, अपनी घरवाली के लिए कि मेरे परिवार का आपको ये सब्जी खाने, उसमें वो 100 रुपये बचा कर रख लेती है, 100 में पूरे परिवार को खाना खिलाती है, लेकिन वो 100 रुपये भी इन मोदी। मैं पूरे यूपी के हर विधान लोकसभा क्षेत्र के मुसलमानों से बात कराऊंगा। आप तय मान लीजिए, अब SC ST की जिम्मेवारी है, जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब हैं, जो पिछली जाति के लोग हैं, उनकी जिम्मेवारी है कि वो मुसलमानों के साथ आगे बढ़ें, गठबंधन करें, क्योंकि देश का जो मुसलमान है वो बीजेपी को हराने के लिए तैयार है। वो लगातार, क्या नाम है आपका? मेरा दिलशाद नाम है। क्या करते हो दिलशाद? मैं अभी पढ़ाई करके मैं रहता हूँ, मैंने अपनी छोटी सी एक शॉप खोली है। हाँ, तो नौकरी नहीं मिली, मोदी जी ने वादा करा था कि हर साल 2 लाख 2 लाख नौकरी देंगे, लेकिन उन्होंने कोई वादा पूरा नहीं। जान बचाना मुश्किल हो रहा है तुमको, नौकरी की पड़ी है, यहाँ तो अन्याय हो रही है। यहाँ तो जान बचाना, तो हकीकत बात है, जान बचाना मुश्किल हो रहा है, मुसलमानों को कुचला जा रहा है, पिछड़ों को कुचला जा रहा है। क्या है यूपी में लोग आए, यूपी में सरकार बदलनी पड़ेगी, तो मैं मानता हूँ कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता, लेकिन किसको वोट दो? गठबंधन की तरफ हमको। क्यों? क्योंकि आज हमारे बंसल जी थे, जब उन्होंने गाजियाबाद में सब काम कराया था। टीवी अखबार वाला तो अफवाह फैला रहा है कि मुसलमान कांग्रेस को वोट दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं, गलत है। गठबंधन की तरफ है और हमेशा ही कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी तो वोट तो बटेगा ना, वोट कहाँ से बटेगा, तो गठबंधन की तरफ है। दलित सारी झोपड़पत्ती जितने ठेली खाने वाले थे सब तोड़ताड़ दिए, सबको बेरोजगार बना दिया सरकार ने, चोरी चोरी करवा दी, घर घर डाके गिनवा दी सरकार ने। नाम मेरा पवन कुमार है जी, जिला मैं ऐसे सरकार की वजह से कटोरा हाथ में लेके फिर रहा हूँ, कोई भी सुनवाई नहीं है, कैसे तक भी। तो क्या कर लेंगे सरकार का? मोदी सरकार को बदलने का इरादा है हमारा, और हम साइकिल को देंगे, सपोर्ट करेंगे पूरे पूरे यहाँ से यहाँ तक पूरे। और साइकिल वाले, लेकिन टीवी अखबार वाला तो कह रहा है कि मुसलमान कांग्रेस को वोट दे रहा है। जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं अपनी जगह, वो कोई गलत नहीं कह रहा जी, जैसा भी हो अंजाम जो है ना पूरा वोट के बाद में पता चलेगा, चुनाव के बाद में किसने क्या दिया। तो चलिए, ये टीवी अखबार वाला भले जो प्रिडिक्ट करे, ग्राउंड पे आइएगा तो मुस्लिम समाज के लोग बहुत सचेत हैं, समझदार हैं, और कांग्रेस के हराने को लेकर वो तैयार हैं। अब ये बीजेपी को हराने, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या OBC SC ST के लोग जो है वो मुसलमानों के साथ है कि नहीं, क्योंकि अधिकार जो छीने गए हैं, अरे रुको भाई, जो अधिकार छीने गए वो दलितों के भी हालत वही है, मुसलमानों की वही है, पिछड़ों की वही है। जिस आदमी ने 2 गाय अपने घर के लिए लेकर आया है, उन लोगों ने पीट पीट कर हिंदू रक्षा दल वालों ने, बजरा दल वालों ने इतना मौत पूरी तरह से सताया है, और उन्हें घर घर ले जाकर मारा है, पीटा है, और उनसे 10,000 इससे 20,000 किसी से। तो मैं आम लोगों से बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम मुसलमानों का मानना है, मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ 99.99% कि यूपी में जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी हरा रही है, उसी तरह से बिहार में RJD हरा रही है बीजेपी को, यूपी में सपा बसपा गठबंधन जो है वो बीजेपी को हरा रही है, और मुसलमान उसी को वोट करेंगे। 5 साल का गुस्सा है लोकपालों के लिए, ये 5 साल का गुस्सा है लोकपालों के लिए, कम से कम बहुत ज्यादा गुस्सा है सब आदमी, कम आदमी बेरोजगार बहुत ज्यादा कर रहा है, नोटबंदी वो जिससे GST। अब लास्ट हम लोग बाइंड अप करेंगे, क्या लगा सर, क्या लगा कि मुसलमान माइंड कर चुका है कि यहाँ सब गठबंधन ही हरा पा रहा है बीजेपी? देखिए, ये मैं बहुत पहले से भी कह चुका हूँ कि जिस तरह से दलितों पे, मुस्लिमों पे पूरे 5 साल में इस 56 इंची चौकीदार की सरकार ने अत्याचार किए हैं, चाहे दादरी में अखिलेश कुमार हो, चाहे अलवर में जो पहलू खान और रहबर खान कुमार हो, और चाहे हापुड़ में कासिम कुमार हो, चाहे जुनैद कुमार हो, और चाहे वहाँ पे गुजरात में ऊना में दलितों को बांध के मारा हो,
इनने पहले ही मन बना लिया था दलित मुस्लिम यादव इस उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से इस 56 इंची चौकीदार को गड्ढे में गाड़ने के लिए वोट डालेगा। यहाँ तय है चाहे कोई भी आ जाए, लेकिन यहाँ का दलित तो, यहाँ का मुस्लिम, यहाँ का ओबीसी इतना समझदार तो है ही कि उसे अपनी भलाई अपनी बुराई नजर आती है। और 2019 के चुनाव में किसे वोट डालनी है, चाहे कांग्रेस का भी कैंडिडेट खड़ा हो, लेकिन वोट उसी को डलेगी जो 56 इंची चौकीदार एंड कंपनी इस भाजपा को हरा बैगा। केला का ठेला है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग ठेला लगाने के लिए आप अब रुकिए ना भाई, हालात इस तरह के हो गए कि मुझे भी डर लगता है ये तो ठेला चला रहे हैं। मुसलमान तो वोट देगा ही नहीं, तो लोग मुसलमान तो वोट देगा ही नहीं किसको, ये तो मुसलमान तो वोट नहीं दे रहा। अब ये मुसलमानों का ठेका थोड़ी है भाजपा को रोक लगा, हिंदू का ठेका ना है भाई, हिंदू को रोकने का ठेका ना कि मुसलमानों को भाजपा को रोक लगा। सब बसा सब मुसलमानों के दुश्मन है, सब दुश्मन है, किसको वोट देंगे तो, किसी को जिसको दिया उसको दो, जबरदस्ती ये नहीं है सपा बसपा को दो, ये भी लकड़ी है तो मोहताज है, ये क्या करेगी केंद्र में बैठ जाएगी, ये तो केंद्र में नहीं बैठ सकती। क्या नाम है आपका? जमीर अहमद सलमानी। कितने साल से वोट गिरा रहे हैं चाचा? हम गिरा रहे 45 साल से वोट गिरा रहे हैं। किसको देते थे 45 साल से? अच्छा पहले कांग्रेस ही देते थे, कांग्रेस ने मुसलमानों को खत्म कर दिया, अब भाजपा ही है, भाजपा ये तो है कि 5 साल के अंदर कोई झगड़ा तो हुआ नहीं है हिंदू मुस्लिम, अब इन सरकार में झगड़े हो गए। कांग्रेस ज्यादा कमी नहीं लगती है बीजेपी से? सबसे दुश्मन सबसे बड़ी भाई, देखिए ये असली वाले हैं, असली दुश्मन है कांग्रेस, असली दुश्मन मुसलमानों का कौन है? खत्म इसने करा 27% आरक्षण में 0% बना दिया, और कह रहे लोग इससे बड़ा बात ही क्या है। चलिए तो राजनीतिक समुदाय लोग की बढ़िया, मैं खेले पर था अगर आप एस सी एस टी ओबीसी सही कह रहे हैं, जिसको एक्चुअली हिंदू कह रहे हैं, जिसको एस सी एस टी ओबीसी की जिम्मेदारी है कि मुसलमानों के साथ कंधा से कंधा मिलाए, और इस तरह से आपको अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़े लिखे डॉक्टर बने इंजीनियर बने पकौड़ा न बेचे तो आपको चाय वाला बन जाए, पढ़ाई लिखाई का मुद्दा बहुत सीरियस मुद्दा है, आप जहां भी मुस्लिम समाज से जाइएगा, मैंने इसलिए बच्चों से बात की थी। अमूमन एस सी एस टी ओबीसी माइनॉरिटी के इलाके में इस तरह के हालात हैं। फिलहाल यूपी के मुसलमानों को लग रहा है कि यहां सपा बसपा जो गठबंधन है वो मजबूत है और वो बीजेपी को हराने में सक्षम है, ठीक उसी तरह से जैसे आरजेडी यूपी बिहार में हरा रही है। तो मुस्लिम तय कर चुका है कि उसको जो बीजेपी को हराएगा वो उसके साथ खड़े रहेंगे। शुक्रिया तमाम लोगों का बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुस्लिम कैसी। तो ठीक है, रोजगार ठीक ठाक चल रहा है ना? रोजगार ही तो नहीं चल रहा, सारे केले कैसी पड़े हुए, रोजगार ही तो नहीं चल रहा। तो चलिए, अगर आपको भी मौका मिले इस वीडियो को देखिए, और पाकिस्तान मुसलमान से मौका मिले रोजी रोजगार के मुद्दे पर बात कीजिए, कभी सोचिए समझिए, टेलीविजन अखबार बंद कीजिए क्योंकि वो आपके दिमाग में जहर घोल रहा है, अफवाह फैला रहा है। यूपी में लगातार एक अफवाह फैलाई जा रही है कि सपा बसपा गठबंधन बीजेपी के साथ चली जाएगी, एक और अफवाह फैला रही है कि अफवाह ही है कि कांग्रेस बहुत मजबूत है। आदमी वोटर बहुत समझदार है, दलित हो मुसलमान हो, उनको लगता है कि बीजेपी की वजह से उनको नुकसान हुआ है और इस सरकार को जाना चाहिए। शुक्रिया आप तमाम लोगों का जो हमसे बात कर रहे हैं, यूपी के तमाम। एक मिनट, हैं क्या बोलिएगा? क्या ठीक है, कोई बात नहीं, चौकीदार कोई चौकीदार नाम रख ले चाहे फटेहाल नाम रख ले अपना मर्जी, बीजेपी जानी चाहिए। तो ये सुनो, हाँ क्या बीजेपी जानी चाहिए? सब लोग कह रहे हैं, हमने क्या बीजेपी सरकार बढ़िया, कारीगर बढ़िया नहीं है, बढ़िया सरकार है कांग्रेस बीजेपी में, बीजेपी अच्छा है, बीजेपी बढ़िया सरकार, बीजेपी बढ़िया। क्या नाम है आपका? शाहिद कुरैशी भाई है, इनका कहना है कि कांग्रेस से ज्यादा अच्छा बीजेपी है, लंबे अनुभव का नतीजा है, इस तरह से लोग बता रहे हैं। शंभु कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, गाजियाबाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।